यार जब भी मैं देखो बनाती हूँ पता नहीं क्या हो जाता है, सही से तो कभी बनते ही नहीं, एकदम परफेक्ट तो कभी बनते ही नहीं। कैसे बनाऊँ, कौन सी रेसिपी फॉलो करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ एक मजेदार और परफेक्ट तरीका दही कबाब बनाने का। तो पता है सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिया दही और उसको ना एक छन्नी के ऊपर कपड़ा लगा के दही को उसमें डाल दिया और छन्नी को एक बोल के ऊपर रख दिया और ये बोल को ना ओवरनाइट फ्रीज में रख दिया, जिससे सारा पानी ना दही का निकल जाएगा और एकदम ड्राई ड्राई हो जाएगा, एकदम परफेक्ट गाढ़ा हो गया ना। अब मैंने प्याज ली और उसको खचखच करके फ्राई कर उसके लिया। लिए मैं यूज कर रही हूँ स्टाल की ब्लैक स्मिथ हाइब्रिड कास्ट आयरन फ्राई पैन। पता है आयरन का फ्राई पैन है पर फिर भी रस्ट नहीं लगती, इजी टू क्लीन है और हैंडल भी नहीं गर्म होते है ना मजेदार जी। हो गया ना, अब दही में सारे मसाले डाल के कबाब रेडी कर लेते हैं। टेस्ट करके देखूं क्या? वाओ एकदम परफेक्ट है यार, मसालेदार है एकदम बढ़िया। हाँ अब ना कबाब रेडी कर लेते हैं, तो मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाए। मैंने लिया थोड़ा सा ही मिक्स और हाथ पे ना थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको रोल कर लिया, एकदम हल्के हाथों से रोल करना और फिर इसको ना ब्रेड क्रम में कोट कर लो अच्छे से, और ऐसी मैंने सारी कर ली। सारे रेडी हो गए ना। अब मैंने पता है क्या किया, मैंने इनको सबको ट्रे में लगाया और इनको ना ओवरनाइट फ्रीजर में रख दिया, जिसे एकदम टाइट हो जाएंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे और फ्राई करोगे ना जब फटेंगे नहीं, ठीक है ना। पूरी ट्रे एकदम मस्त रेडी हो गई ना, अब इसको फ्रीजर में रख देती हूँ। ये देखो कितने अच्छे से सेट हो गए ना, आप इनको 4-5 घंटे के लिए भी फ्रीजर में रख सकते हो, पर मैंने ओवरनाइट रख दिया, एकदम अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब इनको डीप फ्राई करोगे ना तो एकदम फटेंगे नहीं, एकदम परफेक्ट बनेंगे, तो बस इनको डीप फ्राई कर लेंगे। उसके लिए भी मैं वो एक स्टाल का कास्ट आयरन फ्राई पैन यूज कर रही हूँ, और पता है ये इंडिया फर्स्ट लाइट वेट कास्ट आयरन कुकवेयर है, अगर आपको खरीदना हो ना मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप खरीद सकते हो। हमारे दही कबाब अच्छे से फ्राई हो गए हैं, चलो इनको सर्व कर लेते हैं। यार कितने मस्त लग रहे हैं ना, मेरे से तो कंट्रोल ही हो रहा, ट्राई करके देखते हैं। वाओ ये बहुत सॉफ्ट है यार, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत मजेदार है यार, जरूर ट्राई करना। इतने परफेक्ट बने ना, मैं क्या बताऊं यार, इतने सॉफ्ट है, मुंह में घुल जा रहे हैं।